हाय दोस्तों, वंस है टॉपिक। हम लोग नए टॉपिक पीपीई का रेस्पिरेटरी सेक्शन में आ गए। दोस्तों, मैं अबरार हुसैन आप लोग के सामने फिर से वंस अगेन मौजूद हूं, और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्लासेस पे हैं। दोस्तों, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आप लोग को टाइम टू टाइम मेरे नए वीडियो मिलते रहें। और दोस्तों, मैं जैसे कि हर वीडियो में बताता हूँ, आप लोग को एक इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन है हर वीडियो में, मेरा हर टॉपिक से रिलेटेड रहता है। ये इसलिए होता है कि ये मुझसे पूछा गया होता है, और मैं ताकि आप लोग के सामने पेश करूं, ताकि आप लोग इजी वे में इंटरव्यू इसको क्रैक करें। तो दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम लोग आगे चलते हैं, वीडियो पे बात करते हैं। दोस्तों, रेस्पायरेटरी सिस्टम आखिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ जाती है? ये रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन वाई क्यों हमें ज़रूरत पड़ जाती है? दोस्तों, जैसा कि मैं, अगर आप लोग ने मेरा वीडियो नहीं देखा होंगे, तो एक मैंने वीडियो और बनाया है, जो आप लोग को उसमें जानकारी मिल जाएगी कि हायरार्की ऑफ कंट्रोल, किसी भी हैजार्ड, किसी भी खतरा को किस किस पॉइंट बिंदु पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। उस पॉइंट बिंदु में आप लोग देखेंगे कि लास्ट ऑप्शन होता है पीपी। तो सेम एज यूजुअल, जहाँ पे हम लोग को सारा मेथड फेल कर जाता है, वहाँ पे हम लोग को ये रेस्पायरेटरी सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए नौबत आ जाती है। दोस्तों, सेम एज यूजुअल, जब इंजीनियरिंग कंट्रोल जब काम नहीं आता है, तो हम लोग को रेस्पायरेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ जाती है। यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि सेम मैं इसको फील्ड करूँ कि इस फील्ड में जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस हो, जहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो, जहाँ में लोकल एग्जॉस्ट फैन हम नहीं लगा सकते हैं, देन हम लोग को रेस्पायरेटरी प्रोटेक्शन यानी कि रेस्पायरेटरी पीपीई की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों, कितने टाइप्स को क्वेश्चन, ये इंटरव्यू क्वेश्चन आता है कि आपसे पूछा जाता है, और हमसे भी पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पायरेटरी डिवाइस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेस्पायरेटरी पीपी। तो आप लोग कह सकते हैं पीपी दो, रेस्पायरेटरी पीपी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एयर प्यूरिफायर, दूसरा होता है एटमोसफेयर सप्लाइंग, एटमें इसको कह सकते हैं ब्रीदिंग अपरेटस। दोस्तों, एयर प्यूरिफायर में आप लोग को मौजूद है, एयर प्यूरिफायर में आप लोग को बहुत से प्रकार के मिल जाएंगे। एक पार्टिकुलेट रेस्पायरेटर्स, केमिकल कार्टिज, गैस मार्क्स रेस्पायरेटर, पावर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पायरेटरी। ये आपको डस्ट मार्क्स है, ये रेस्पायरेटरी डिवाइस यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आपको पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पायरेटरी डिवाइस आप लोग का है सामने मौजूद। दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं आपको एटमोसफेयर सप्लाइंग, इट मीन्स इसको ब्रीदिंग अपरेटस भी कर सकते हैं। तो इसका काम होता है, क्या करता है ये जो अपरेटस हम लोग यूज करते हैं, तो ये क्या करता है, जो एटमोसफेयर में हम लोग का हवा रहता है, उसमें जो उसको प्यूरिफाई, उसको क्लीन ब्रीदिंग मतलब सांस लेने योग्य बनाकर हम लोग को प्रोवाइड कर देता है। दोस्तों, यहाँ पे इसको बताने से पहले मैं ये बता दूं यहाँ पे कि जो एयर प्यूरिफायर जो होता है, ये क्या करता है, रिमूव, ये हवा से कॉन्टामिनेंट को रिमूव करके हम लोग को हवा, सांस लेने योग्य हवा बनाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब एटमोसफेयर सप्लाइंग में भी दो टाइप्स के होता है। दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट और है इंटरव्यू टाइप का, कि आप इंटरव्यू में जाते हैं तो ये इंटरव्यू पूछा जाता है, और पूछा जा सकता है आपसे भी कि स्काबा क्या होता है। तो हम बता सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म है सब कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस, और ये क्या करता है, हमारे जो एटमोस्फेयर में हवा होता है उसको क्लीन करके हमको सांस लेने योग्य बनाता है। एक इसमें और आता है सप्लाइड एयर रेस्पायरेटर, इसको बोलते हैं शार। दोस्तों, यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पीपी जो रेस्पायरेटरी पीपी होते हैं, इतने टाइप्स में बांटा गया है। दोस्तों, अब हमारे ये कि देश पे आ जाती है कि रेस्पायरेटरी पीपी वैसे ही किसी को नहीं दिया जा सकता है यूज करने के लिए। बिफोर यूजिंग इसको हम लोग को कुछ टेस्टिंग पॉइंट होता है, उस पर हम लोग टेस्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिसको हम यूज करने के दे रहे हैं, क्या वो ऑथराइज पर्सन है, क्या वो कैपेबल है इस वर्क नेचर में काम करने के लिए, क्या वो एयर प्योरीफायर यूज करने के योग्य है या जानता है कि नहीं जानता है, ये हम इवेल्युएट करेंगे, और उसका मेडिकल फिटनेस भी चेक करेंगे, क्या वो मेडिकली फिट है कि नहीं फिट है। दोस्तों, बात आती है कि एक एज अ एम्प्लॉय हम लोग होते हैं, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जो भी होता है पीपी दिया जाता है कंपनी से, उसका रख रखाव या इंस्पेक्टिबिलिटी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो इंस्पेक्शन क्या इसमें होती होगी? दोस्तों, इंस्पेक्शन में क्या होगा कि जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, या इस्तेमाल करने से पहले, इस्तेमाल करने के बाद, हम लोग को इसको जांच करनी चाहिए हर एक पार्ट्स को, सही सलामत है कि नहीं, कहीं से टूटा है कि नहीं टूटा है, टूटा है रिपोर्ट करें और नया इस्तेमाल करके वहां पे रखें। दोस्तों, इस्तेमाल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हमको साफ कर लेना चाहिए था, सॉल्यूशन से साफ कर लेना चाहिए, और सैनिटाइज करके अपने प्लेस पे
रिप्लेस कर देना चाहिए, वहां पर रख देना चाहिए। दोस्तों इसका रख रखाव के बारे में हम लोग जान लें, रख रखाव के आप लोग बात करें तो इसको हम डस्टी डस्टी इन्वायरमेंट में ना रखें, सनलाइट से बचाएं, डायरेक्ट सनलाइट से, हीट से बचाएं, कोल्ड से इसको बचाएं, मॉइस्चर से बचाएं, और वैसा केमिकल से इसको दूर रखें जो इसके लिए इम्पैक्ट कर सकता है, इसके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है या इसको डेंजरस हानि पहुंचा सकता है। दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट होती है कि इसको इस तरीके से रखें कि ताकि जब जरूरत पड़े तो हम लोग को दोबारा इसको लिया जा सके। दोस्तों मैं ये यहाँ पे करूँगा कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट भी करें अगर कोई डाउट हो तो, ताकि मैं कमेंट के द्वारा आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। वंस अगेन थैंक यू।